हेलो एवरीबॉडी, राजस्थान में एक नई भर्ती आई है। योग्यता डिप्लोमा पास है, कुल पद 102 हैं और आप किसी भी स्टेट के हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, मैथ में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है वेक्टर, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। और अभी HSC ने जो एग्ज़ाम लिए थे कल रख के, तो उन सभी में वेक्टर के 2 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हुए थे। और वेक्टर का चैप्टर यूट्यूब पर कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, तो आज कंप्लीट वेक्टर कराया जाएगा आपको शाम 5 बजे, 5:30 बजे अपने चैनल पर नॉलेज टीवी देसी ताऊ पर लाइव चलेगा कंप्लीट वेक्टर, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से 2 घंटे में पूरा चैप्टर कवर करवाया जाएगा। तो यदि आप वेक्टर को करना चाहते हैं या आप अपने 2 से 4 नंबर पक्के करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जॉब के बारे में कि जॉब की डिटेल क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं RSMSSB जूनियर इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट 2018, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगा इसमें क्या चेंजिंग है। राजस्थान सुबॉर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दोस्तों यहाँ पे 2018 लिखा है, लेकिन ये वैकेंसी अब 2019 में 31 तारीख को ये वीडियो बन रही है, अभी निकली हुई है, ठीक है। पोस्ट का नाम है जूनियर इंस्ट्रक्टर, ठीक है, जूनियर इंस्ट्रक्टर के पद पर ये भर्ती है। और यहाँ पर देखिए, इसको दोबारा से रीओपन किया गया है, 26 अक्टूबर से फार्म शुरू हुए हैं और 24 नवंबर तक फार्म भरे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्या समझे, 24 नवंबर तक आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंस्ट्रक्टर जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, इस भर्ती के फार्म आज आप भर सकते हैं, ठीक है। फीस के लिए हम बात करें तो यहाँ पर आप फीस देख सकते हैं दोस्तों। जनरल OBC क्रीमी लेयर अदर स्टेट के लिए 450 रुपये फीस है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 350 है, SC ST फिजिकल हैंडीकैप 150 रुपये फीस है दोस्तों। ये फीस आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से भरनी है दोस्तों, ठीक है। जॉब लोकेशन क्या है, राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान की कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको समय पर अपडेट मिल सके। एज की भी बात करें तो मिनिमम 20 साल मांगी गई है, मैक्सिमम 40 साल मांगी गई है दोस्तों। यहाँ पे एज का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, कुल पद 102 है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 102 पोस्ट है। पोस्ट का नाम मैंने आपको बता ही दिया, जूनियर इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे ट्रेड वाइज वैकेंसी निकली है इंस्ट्रक्टर की, टेक्निकल होता दोस्तों ये, तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिक डीजल इंजन की 24 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 29 पोस्ट है, जूनियर इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक की 15 पोस्ट है और जूनियर इंस्ट्रक्टर वायरमैन की है 24 पोस्ट दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देखिएगा, जूनियर इंस्ट्रक्टर कोपा इंटरमीडिएट विद 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए कोपा के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जूनियर इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जो अदर ट्रेड है दोस्तों, उनके लिए क्या मांगा है, इंटरमीडिएट विद साइंस विद डिप्लोमा, यानी कि प्लस टू में नॉन मेडिकल या मेडिकल विद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में इंजीनियरिंग का, ठीक है। टेक्निकल NTC इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन रिलेवेंट ट्रेड, आपके पास प्लस टू साइंस साइड से होनी चाहिए और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप इन इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फार्म कैसे भरा जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से फार्म भरना है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है RSMSSB की, वहाँ से आपको अप्लाई करना है दोस्तों।
यहाँ पर क्लिक करके आप अपना जो फार्म है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके क्लिक करके आप अपना फार्म भर सकते हैं। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है रीओपन हुई है, पहले इसके फार्म भरे जा चुके हैं लेकिन एक मौका और दिया गया है आपके पास, गोल्डन चांस है ये। तो यदि आप उसका नोटिस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसका जो रीओपन का नोटिस है वो देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये थी एक अपडेट जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आई है। अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो अपन यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।